कुछ भी हो, केतन को मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। देखो मीनू, अगर तुम उसके पेरेंट्स के खिलाफ उल्टा सीधा बोलोगी तो कोई भी लड़का नाराज होगा, जाहिर सी बात। बिलीव मी राजू, मैंने उसके माँ बाप के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा था। देखो मीनू, हर माँ बाप को यही लगता है कि वो उनके बच्चे की देखभाल एक दूसरे से ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, केतन ऑफिस जाने से पहले शुभ से थोड़ा प्यार करता है और ऑफिस के आने के बाद उसके साथ थोड़ा खेल लेता है, तुम उसे देखभाल कहोगे? ठीक है, अब छोड़ो उस बात को। नहीं राजू, मुझे अब इसका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। मीनू देखो, गुस्से में कोई गलत कदम मत उठा लेना, ठीक है? कदम गलत हो या सही, लेकिन इस बार मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ। मीनू एक बात कहूँ, हवा जब तेज चलती हो ना तो पौधों को झुक जाना चाहिए। अगर केतन का फोन आया तो उसे कह देना कि आइंदा उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं उसे सबके सामने मारूंगी। झगड़ा उन दोनों के बीच में हुआ है, उसमें मैं क्या करूं? अरे आप उसे फोन करके समझाइए कि वो ऐसा ना करे। अच्छा है झगड़ा करके यहाँ नहीं चली आई, वरना सीधे बाबूजी के पास से आती थी। आएगी जरूर वो बाबूजी से बात करने के लिए। पता नहीं मीनू ऐसा क्यों करती है।